हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं इस बिगोनिया के बारे में बताऊंगी। ये देख रहे हैं, ये मैंने ये फंजीसाइड का स्प्रे किया है। तो ये बिगोनिया है मेरा, बहुत मुश्किल से बचा रही हूँ मैं इसे, क्योंकि ये ना गर्मी बर्दाश्त करता है और ना बारिश का पानी बर्दाश्त कर पाता है। तो ये मेरा एक तो ख़त्म हो गया, रेड कलर का था इसमें का जो था, और ये मेरा पिंक बचा है ये, तो इसमें भी फंगल इन्फेक्शन शुरू हो गया था। तो आप इसमें क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इसकी जितनी भी ब्रांचेस फंगल इन्फेक्शन से शिकार होती रहे, आप उन्हें कट कर करके अलग कहीं लगा दो। कुछ मैंने ये इसमें लगाई है, कुछ इधर लगाई है, इस तरह से। तो आप इस तरह से अपने कुछ भी हो, इनकी कटिंग को जैसे लगाते रहो, फंगिसाइड का स्प्रे भी करते रहो, क्योंकि उससे ये होता ये है कि आपके प्लांट को फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा और ना ही ये डेड होगी। ये बिगुनिया जो है ये फंगल इन्फेक्शन से ही मर जाते हैं। और मेरा एक रेड तो ख़त्म हो गया है, तो ये मैंने लेके आई थी, मैंने इसे निकाला भी नहीं, इसे पॉली बैग में ही रहने दिया, क्योंकि सोचा अगर निकालूंगी तो ये मर जाएगा। मैं पहले भी लेके आ चुकी हूँ, निकाल के लगाया तो मर गया। जैसे इसका सीजन स्टार्ट होगा मैं इसे लगा दूंगी। तो ये बहुत बुरी कंडीशन होने लगी है, इस वाले की तो कुछ ज़्यादा हो गई, पूरा भरा हुआ था और ये कुछ कट कट के बेकार हो गया है, गल के, जैसे कहते नहीं है, जड़ गलन हो गई। तो ये गलने लगा था यहाँ से, ये देखिए अभी भी ब्लैक ब्लैक है। तो मैंने इसमें ये, क्योंकि आड़ में रखा हुआ था तो इसमें फंजीसाइड का स्प्रे नहीं हो पाया था, और इसमें मैंने कर दिया था, तो ये चल रहा है। और ऐसी शेडी प्लेस में रखे जहाँ इसे धूप तो मिले, हल्की धूप मिले, पर तेज़ धूप ना मिले, वरना बहुत तेज फंजीसाइड ना डालो, बहुत तेज़ धूप लगे तो ये बहुत जल्दी मर जाते हैं। धूप और पानी इन्हें बहुत जल्दी मार डालता है। तो आप इसे शेडी एरिया में रखिए, फंजीसाइड का स्प्रे करो। मिट्टी इसकी ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब मिट्टी हो, मिट्टी अच्छी है, रेतीली है, बट फिर भी नहीं चल पा रहा है। तो मैंने इसमें ये तो बिल्कुल बजरी वाली है, तो इसमें मैंने ये लगा दिए हैं कुछ ब्रांचेस। अगर ये सर्वाइव करना होगी तो कर जाएंगे, नहीं तो फिर तो राम भरोसे ही है सब कुछ। तो आप इस तरह से इन्हें, इनकी कटिंग को लगाते रहो, बचाते रहो, जैसे कलांचों को नहीं बचाते हम लोग, वैसे ही इसे बचाइए आप। और फंजीसाइड का स्प्रे जरूर कर दीजिए, मेन इंपॉर्टेंट है फंजीसाइड का स्प्रे करना। आप अपने प्लांट को बचाना है तो फंजीसाइड अपने घर में ला के रखिएगा और हमेशा स्प्रे करते रहिएगा, और आपके प्लांट बच जाएंगे। मैं ये तो खैर बचा ही लिया है मैंने, बट ये फिर भी नहीं बच पाया। अभी भी कोशिश कर सकती हूँ इसे बचाने की। कुछ ब्रांचें जो गल गई थी मैंने इधर उधर लगा दी हैं, जैसे सैंडी सॉइल में ये है, ये है, और एक दो और भी जगह लगाई हैं कि जहाँ का इन्हें लोकेशन अच्छी लगे वहीं ये सर्वाइव कर जाए। और ये मेरा बर्बीना सीड से ग्रो किया हुआ है, देख रहे हैं आप, ये मैंने सीड से ग्रो किया। अब देखो बारिश में बचता नहीं बचता है। चलो ठीक है, देखते हैं कि अब क्या होता है इसका, है ना। भगवान ही, भगवान के भरोसे ही हैं ये। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही जगह रखेंगे जहाँ इन्हें शेडी प्लेस तो मिले मगर हवा भी मिले। अगर बिल्कुल बंद में रख देंगे या ढेर सारे, जैसे अब मैं इसके नीचे रख दूंगी तो ये मरने की कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि इसे हवा नहीं मिलेगी, नीचे हवा जाएगी ही नहीं। तो इस तरह से रखो जिससे हवा भी मिले और हल्की हल्की धूप भी मिल जाए तो भी ठीक है, वरना धूप ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, मगर छाया और हवा जरूर रहनी चाहिए। हवा, पानी, छाया। पानी तो भी कमी दो, जब मिट्टी आपकी सूख जाए तभी आप इसे पानी दो, वरना पानी मत दो, वरना ये फंगल इन्फेक्शन से मर जाएगा। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।